झुंझुनू में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान का शुभारंभ पार्षद सुनीता रेवाड़ ने किया। डॉक्टर दयानंद सिंह ने बताया कि अभियान के दूसरे चरण के तहत जिले के 85 जगहों पर टीकाकरण किया जा रहा है, जिसके तहत अब तक टीकाकरण से वंचित रहे चयनित 727 बच्चों और 139 गर्भवती महिलाओं को टीकाकृत किया गया। उन्होंने बताया कि इस बार नरेगा साइट पर भी कैंप लगाकर टीकाकरण किए जाएंगे। साथ ही में बताया कि आगामी कैंप 6 जनवरी, 3 फरवरी और इसी के साथ 2 मार्च को भी लगाए जाएंगे। इस दौरान विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। मिशन संगन मिशन इंद्रधनुष है, उसका शुभारंभ यहाँ से अफसाना जोड़ के जो कच्ची बस्ती है वहाँ से इसका प्रारंभ किया गया। पार्षद महोदय यहाँ के वार्ड नंबर 1 और इसके 4 के यहाँ पर उपस्थित हैं। उस संदर्भ में जितने भी जो बच्चे जो लेफ्ट आउट और जो ड्रॉप आउट हैं पूरे जिले में, उन बच्चों को हमने चिन्हित किया है, जिसमें 737 बच्चे हैं, लगभग 150 महिलाएँ प्रेगनेंट हैं, उनको सभी को हम इम्यूनाइज करेंगे। और श्रीमान मुख्य सचिव महोदय के निर्देशानुसार जो नरेगा साइट है उन्हीं का भी जो सर्वे है वो आज कम्प्लीट हो जाएगा, और जहाँ ऐसे बच्चे मिलेंगे हम उनको इम्यूनाइज